नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फार्माफैक्ट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोटिन के बारे में। बायोटिन क्या होता है, इसके क्या कार्य है, क्या ये आपके बालों को झड़ने से रोक सकता है या आपके नाखूनों को डैमेज होने से रोक सकता है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं बायोटिन की। तो जो बायोटिन है, इसे हम विटामिन के B7 के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बायोटिन कहते हैं। इसके अलावा इसको विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बायोटिन है, इसका मुख्य कार्य अपनी बालों की ग्रोथ और अपने जो नाखून है इनके ग्रोथ को कंटिन्यू करना। जब भी हमारे बाल डैमेज होता है तो बहुत चांसेज रहते हैं कि इसमें बायोटिन की कुछ कमी रही होगी। तो जो बायोटिन है उसका मुख्य कार्य और ये काम कैसे करता है, इनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो बायोटिन है वो हमारे जो हेयर में पाया जाता है केराटिन, ठीक है, केराटिन के कारण ही हमारे हेयर और जो नाखून है वो उनकी ग्रोथ होती रहती है। उनकी जो अच्छी पोषकता के लिए केराटिन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बायोटिन होता है वो हमारे शरीर में नहीं बनता है, इसको हम बाहर से इंटेक करना पड़ता है। जो बायोटिन है वो जो केराटिन को बूस्ट करने का काम करता है, जो केराटिन होता है उसको बूस्ट करता है जब बायोटिन, तो आपके बालों और जो नाखूनों की ग्रोथ होती है वो तेज़ी से होती है। अगर आपके शरीर में बायोटिन की कमी हो जाती है तो उस समय आपका जो केराटिन है वो पूरे फ्लो में काम नहीं करता है। तो इसी वजह से जो आपकी बालों में जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल पतले होने लग जाते हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो आप बायोटिन का उपयोग डॉक्टर की सलाह से कर सकते हो। बायोटिन का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायोटिन एक प्रिस्क्राइब ड्रग के अंदर आती है। बहुत सारी जगह आजकल आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख के इन्फ्लुएंस होते हो कि मैं बायोटिन का उपयोग करता हूँ, लेकिन बायोटिन का उपयोग आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही करें। हाँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं बायोटिन जब आप उपयोग करते हैं उसका, तो बालों के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जब भी आप के कोई हेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आपके बाल पतले हो जाए, बाल झड़ने लग जाए, तो आप बायोटिन का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। ये हुई बायोटिन की बात। अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, हमारे शरीर में बायोटिन की कमी क्यों होती है। वैसे तो हमारे शरीर में बायोटिन बनता नहीं है, बाहर से इंटेक करना पड़ता है। हमारे शरीर में जो बनने वाला है वो है केराटिन, ठीक है। तो केराटिन की कमी कैसे होती है, जब हमारे फूड में हेल्दी प्रोडक्ट नहीं होते, जैसे कुछ बाहर से खा लेते हैं या फिर अनहेल्दी फूड हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और हेल्दी फूड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो बहुत सारे न्यूट्रिशन के साथ ये विटामिन B7 है इसकी भी कमी हो जाती है। इसके कारण आपके हेयर लॉस होने के थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपके हेयर डैमेज और भी तरह तरह की समस्याएँ हो सकती है, ठीक है। तो ये हुई केराटिन की बात। अब बात करते हैं नेचुरल तरीके से हम कैसे हेयर ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, हरी सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाना पड़ेगा। इसके अलावा जो बीज है उनको ज़्यादा उपयोग में लाना पड़ेगा, दालें हैं या जो हेल्दी फूड्स हैं उनका ही उपयोग करोगे तो आपकी बालों की ग्रोथ नेचुरल तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। वो बायोटिन के उपयोग की बात। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एज वेल एज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। जय हिंद, वंदे मातरम।